फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी पेटल्स। और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ ओरिफ्लेम के लव नेचर का टी ट्री फेस वॉश ऑयली स्किन के लिए। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, मैंने इसको बहुत यूज़ किया है, बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ और इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने सोचा कि आज मैं इसके ऊपर वीडियो बना देती हूँ। फ्रेंड, ये ऑयली स्किन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं, बट क्या कहते हैं, ड्राई स्किन वालों के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें इसको अवॉइड करना है। ड्राई स्किन वालों को इसे अवॉइड करना है। और क्या कहते हैं, इसे गर्ल्स एंड बॉयज दोनों यूज कर सकते हैं। और हाँ, जो लोग टी ट्री ऑयल यूज करते हैं वो उसकी जगह पे इस फेस वॉश को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उस ऑयल से सस्ता आता है और इसका इफेक्ट भी बिल्कुल उसी के जैसा है और बहुत ही अच्छा है। ऑयली स्किन वालों के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है। मैंने इसको यूज़ किया और यूज़ करने के बाद मेरे फेस पे जो ऑयल था वो बहुत ही हद तक रिड्यूस हो चुका है। मतलब बहुत अच्छा वर्क है इसका। मैंने ओरिफ्लेम के बहुत सारे प्रोडक्ट मंगाए पर मोस्टली किसी ने भी मुझे इतना अच्छा इफेक्ट नहीं दिखा, बट गाइस इसका इफेक्ट बहुत अच्छा है। जो अच्छा है उसकी तारीफ तो करनी ही चाहिए और ये बहुत ही अच्छा है। इसको आपको मॉर्निंग में यूज़ करना है और इवनिंग में यूज़ करना है, जैसे आप नॉर्मल अपना फेस वॉश यूज़ करते हैं। और गाइस, आप जब इसको यूज़ करोगे, स्पेशली ऑयली स्किन वाले, तो आपको ये दिखने लगेगा कि ये आपके फेस से कितने अच्छे से, क्या कहते हैं, आपके फेस को क्लीन करता है और पिंपल्स को रिड्यूस करता है। ठीक है, और आप जब इसको यूज़ करते हो तो यूज़ करने के बाद जब अपना फेस वॉश कर लेते हो तो एक अच्छा सा ग्लो आता है आपके फेस पे, बिल्कुल फेस को क्लीन कर देता है। और क्या कहते हैं, बिल्कुल मतलब बहुत ही सुंदर लगने लगता है आपका फेस इसको यूज़ करने के बाद। मैंने इसको यूज़ किया है, ये जेल बेस्ड फॉर्मूला है। और यूज़ करने के बाद जब आप इसको यूज़ करते हो तो बहुत सारे फेस वॉश में क्या रहता है कि आपने यूज़ किया और उसके बाद आपने अपना फेस को क्लीन किया तो आपका फेस बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। तो ये उस तरीके से ड्राई भी नहीं करता। आप जब इसको यूज़ करते हो, फेस वॉश कर लेते हो, तो उसके बाद आपके फेस पे थोड़ा सा मॉइस्चर बचता है। मतलब कि इतना अच्छा बैलेंस्ड जेल है कि ये क्लीनिंग जेल कि मतलब ना आपके फेस से ज़्यादा ऑयल ही निकालता है या बिल्कुल कम ही निकालता है। मतलब एक प्रॉपर अमाउंट में आपके फेस से ऑयल को रिमूव करता है। और ये टी ट्री ऑयल को रिप्लेस करने का बहुत अच्छा तरीका है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। टी ट्री ऑयल बहुत ही कॉस्टली भी आता है अगर आप अच्छे ब्रांड का लेते हैं तो। ये भी थोड़ा सा मतलब ठीक ठीक प्राइस है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बट उससे सस्ता है, उससे चीप है। ठीक है, तो आप इसको, मैं आपको इसकी प्राइस दिखा दूँ। ये ₹329 का आता है। ठीक है, ये 2018 में ही बना है और इसकी सेल्फ लाइफ 2 ईयर्स है, ये 2 ईयर्स तक चलता है। और इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा है गाइज। और ये है 150 ml का, 150 ml का आता है, 329 rupees का। ओके गाइज, और ये आराम से 2 मंथ्स चल जाता है, 2-3 मंथ्स अगर आप अकेले ही हो यूज़ करने वाले या फिर फुल फैमिली यूज़ करती है तो उस हिसाब से, जितने लोग इस्तेमाल करते हैं उस हिसाब से ये यूज़ होता है और ख़त्म होता है। मैं यूज़ करती हूँ, मेरा ब्रदर सिस्टर सब यूज़ करते हैं, तब जाके ये लास्ट मंथ में इतना हो गया है। तो समझ लो हम 4 लोग यूज़ करते हैं तो ये इतना हो चुका है 1 मंथ के अंदर, तो मतलब 2 मंथ तक चल जाएगा। ठीक है, फैमिली के लिए भी अच्छा है। ऑयली स्किन वाले इसको यूज़ बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, ड्राई वाले इसको यूज़ ना करें। और ये 150 ml का है। और अगर आप बात करें कि क्या कहते हैं ये आप कहाँ से खरीद सकते हैं, तो आप इसको अमेजोन से ऑनलाइन मिल जाता है, मार्केट में भी मिल जाता है। और क्या कहते हैं, आपको किसी ओरिफ्लेम कंसल्टेंट से भी मिल सकता है, आप जिसको भी जानते हैं आप उसके थ्रू इसको ले सकते हैं गाइज। ऑल एंड ऑल अगर आप इसको रेटिंग दें 5 में से, तो मैं इसको रेटिंग देना चाहूँगी 5 में से 4, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करता है। बट हाँ, बस ये है कि इसकी अवेलेबल होने की प्रॉब्लम बहुत रहती है, बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाता है, इसलिए बहुत प्रॉब्लम रहती है। और फिर इसकी प्राइस भी थोड़ी सी ज़्यादा है, एक नॉर्मल फैमिली के अकॉर्डिंग प्राइस इसकी थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए भी मैं इसको 4 रेटिंग दे रही हूँ। अदरवाइज इसको 5/5 देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपने अगर इसको यूज़ किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका इसके साथ इफेक्ट कैसा रहा। और अगर आप किसी और चीज़ के लिए रिव्यू भी चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं उसके ऊपर जल्दी से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू गाइस, बाय।